हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, 13वां चैप्टर पढ़ रहे थे, और हम लोग रिवाइज कर रहे थे ना, रिवीजन कर रहे थे। यस तो क्या सर। रिवाइज कर रहे थे बच्चों? तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन रिवाइज कर रहे थे। चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने यहां तक आप सभी को सिखा दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक। बच्चों तो याद है आप सभी को, बताइए चैट बॉक्स में। यस सर। यस सर। ठीक है, हो सके तो बेटा माइक मत ऑन करो। अगर कुछ डाउट है तो माइक ऑन कर सकते हो, बट वैसे मत ऑन करो क्योंकि डिस्टरबेंस होता है तो बाकी बच्चे सीख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कुछ डाउट होगा तो जरूर माइक ऑन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो मैंने यहाँ तक आपको सिखा दिया था। अब कुछ बातें करेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए। लेकिन यार एक बात बताओ सभी लोग, सपोज एक कटोरा है, ठीक है, समझना, एक कटोरा है और इसमें आप पानी रखना चाहते हो। ठीक है बच्चों, पानी यानी कि वाटर रखना चाहते हो, तो वह वाटर कितना होगा, उसकी मात्रा कितनी होगी, कौन डिसाइड करता है? तो इसकी मात्रा डिसाइड करती है इसका आयतन। इस बर्तन का अगर आपने आयतन निकाल लिया तो उतना पानी आप इसमें रख सकते हैं। तो बर्तन का आयतन बराबर पानी का आयतन। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है ये चीज? चैट बॉक्स में बताइए। कि जितना भी पानी आप रखना चाहते हैं, ठीक है, जितना भी पानी आप रखना चाहते हैं आप रख पाएंगे, लेकिन किसके बराबर? बर्तन के आयतन के बराबर। ठीक है, उस कटोरे के आयतन के बराबर। मान लेते हैं कि अगर इस बर्तन का आयतन बच्चों 40 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो इसमें पानी कितना मात्रा में आएगा? पानी की मात्रा क्या होगी? तो पानी की मात्रा होगी 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर बर्तन का आयतन है 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो पानी का भी आयतन क्या होगा? 40 सेंटीमीटर क्यूब होगा बच्चों। क्या आप सभी को समझ में आ गई ये चीज? यस सर। ठीक है, अब मान लो मैंने बोल दिया कि उस बर्तन का आयतन 2 लीटर है। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि इस बर्तन का आयतन 2 लीटर है, तो बताइए इसमें जो पानी रख पा रहे होगे आप, वह कितना लीटर रखा पाओगे? कितना लीटर रख पाओगे बताओ बच्चों। अगर इस बर्तन का आयतन है 2 लीटर, पानी कितना रख पाओगे? 2 लीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पानी भी बेटा 2 लीटर ही रख पाओगे। तो चलो अब इसी प्रकार से क्वेश्चन इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चैट में आंसर करिएगा। सॉरी, फोल में आंसर करिए। ठीक है, चलिए, पोल हमने ऑन कर दिया और चैट बॉक्स बंद है। सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी से।
बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है? सारे बच्चे आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चों पोल बंद किया जाए या बताइए, आप सभी ने पोल में आंसर कर दिया? यस ओके, बाकी बच्चे? बाकी बच्चे बताइए, क्या आप सभी ने पोल में इसका उत्तर दे दिया बेटा? इसको सॉल्व करूं मैं? नो सर, चैट बॉक्स ओपन कर दो। चैट बॉक्स ऑन कर दूं? ठीक है, ओके, चैट बॉक्स हम ऑन करते हैं। चलो बच्चों, चैट बॉक्स हमने ऑन कर दिया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है? ओके बच्चों, अब देखो इसका सलूशन क्या होगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरी में कितने लीटर दूध आ सकता है। देखो पूछा गया ना कि कितने लीटर दूध आएगा उस अर्धगोलाकार कटोरे में। इसका मतलब ये है कि हमें आयतन निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है? हमें आयतन निकालना है। तो इस कटोरे का आयतन क्या होगा, ध्यान से देखना। क्योंकि व्यास का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और आप सभी जानते होंगे कि व्यास जो होता है उसका मान होता है 2 गुणे त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना ही होता है व्यास। बताओ बच्चों, आप सभी को मालूम है ये?
इसलिए त्रिज्या बराबर होगा बिल्कुल 21/2 सेंटीमीटर। यहां तक सबको समझ में आया? तो बोले ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम पिता में कर देंगे। ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना बच्चों, हमें निकालना था इस अर्धगोले का आयतन। तो चलिए आयतन निकालते हैं। अर्धगोले का आयतन बराबर होगा 2/3 πr³। आर का मान क्या है बच्चों? आर का मान क्या है? तो आर का मान त्रिज्या है, ठीक है। पाई का मान रख दीजिए, दैट इज 2/3। यस। और बच्चों आर का मान क्या है? 21/2। बताइए आप सभी को यहां तक समझ में आ गया? यस सर। बाकी बच्चे भी बताइए कि ठीक है। सर दोबारा रिपीट कर दो एक बार। ओके, हम दोबारा बता देते हैं आप सभी को। आप इसको ऐसे सीखो ना, मैंने आपको बोला कि अर्धगोले का आयतन, तो आपको समझ जाना होगा कि ठीक है, अगर अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे तो यह इसमें रखे जाने वाले दूध का आयतन होगा। आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 πr³। अब आर का मान कितना है? तो आर का मान है 21/2। तो दिए गए मान को हमने रख दिया बच्चों, ठीक। तो जब आपने दिए गए मान को रखा, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए। 2/3 × 22/7 × 21/2 21/2 21/2। ये 3 बार क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखो क्यूब है, ठीक है। क्यूब का मतलब होगा कि ये कितनी बार लिखेंगे हम लोग? 3 बार। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो 7 से कट करो बेटा, इसको कितने बार में कट होगा? 3 बार में। 3 से ये 3 कैंसिल आउट। ध्यान से देखना, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। 22 को कट कर दीजिए, 2 से कितने बार में कट होगा? 11 बार में। तो बच्चे का क्या? 11 × 21 × 21 डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 × 21 कितना होता है? 4, 4, 1 होगा। इसको मल्टीप्लाई कराओ कितना होगा बच्चों? 4851/2। अच्छा, अब इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा? कोई बच्चा बताएगा इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? यस सर। बताइए। क्या इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है अर्धगोले का आयतन? डिवाइड करके चेक करिए। यस सर यही आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, ये जो उत्तर आया आपका, यह सेंटीमीटर क्यूब में आया, ठीक है। यह सेंटीमीटर क्यूब में आया। हमें क्या देना था आंसर? हमें आंसर देना था लीटर में। देखो ध्यान से, चारों की चारों अपन किस में है? लीटर में है।
हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आपको बहुत पहले है ना, मतलब कुछ क्लासेस पहले मैंने ही सिखाया था आप सभी को कन्वर्जन, रूपांतरण, ठीक है। तो वहां पे सिखाया गया था, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है। यस गुड। इसलिए बच्चों 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2425.5 मल्टीप्लाई बाई 1/1000 लीटर। इसको डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 2.4255 लीटर। इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है, लगभग लिखा जा सकता है, ठीक है, 2.43 लीटर, जो कि आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, और मैं एक काम करता हूं, इसको एक पेज पे लाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कर लिया सर नोट। कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया, जल्दी बताइए, क्या सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया बच्चों? यस सर आ गया। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे समरी, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप? समरी पढ़ने समरिया वाले। समरी कब पढ़ा जाता है आप सभी जानते होंगे, जब कोई चैप्टर बाइंड अप हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग समरी पढ़ते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट किया जाए, यस सर तो ये जो चैप्टर था मैंने आपको सिखा दिया एकदम अच्छे तरीके से। अब इसके जो मेन मेन चीजें हैं, जो मेन मेन फार्मूले हैं, उनको मैं आपको सिखाने वाला हूँ, या एक तरीके से कहा जाए तो रिकैप कराने वाला हूँ, है ना, याद कराने वाला हूँ, चलिए ओके सर। इनको सीखा जाए। आपको देखो सिखाया गया था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA, ठीक है। देखो बच्चों दो चीजें होती हैं, सीख लीजिए जरा इस चीज को भी। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TSA। एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LSA। और बच्चों एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSA। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हाँ ये चीजें आपको क्लियर रहे, जब भी मैं TSA लिखूं, LSA लिखूं या फिर CSA लिखूं, तो आप पहचान सको, ठीक है बच्चों? कर लिया। कर लिया, बहुत अच्छी बात, यस सर। ठीक है। कुछ बच्चों को पहले से भी पता है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। चलो अब अगर मान लो पूछा जाए तुमसे कि बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 से 2 स्क्वायर। ठीक है, 6A² होता है। यहाँ पे ए क्या है बच्चों, ए इसकी भुजा है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, करिए आप सभी लोग। मान लो ए का मान है 7 सेंटीमीटर, तब बताइए उस घन का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करिए। सेक्शन हाँ बताएंगे, क्या बोल रहे हैं आप? में देना आंसर। हाँ, चैट सेक्शन में ही देना आंसर, ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर करिए।
ठीक है बच्चों, चैट सेक्शन में इसका आंसर करिए आप सभी लोग। ठीक है, सचिन का आंसर आ गया, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, अपने मन से सॉल्व करिए तब जाके आंसर करिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो कैसे लगेगा, क्योंकि एक यूनिट दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, इसलिए क्यूब का TSA होगा 6A² एक यूनिट 7 रख दीजिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49, 49 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 में। ठीक है, 49 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे क्या आएगा बताइए। क्या 294 आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सचिन, आपका आंसर ठीक है गलत हो गया था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप एक अच्छे बच्चे हो, कंसिस्टेंट रहते हो, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियां, हर किसी से हो सकती हैं। ठीक है, अगली बारी से ध्यान रखना। ओके, चलो अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बेलन क्या होता है, बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि इसका रेडियस दे रखा है आर और इसकी ऊंचाई दे रखी है बच्चों एच, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। टू पाई आर एच होता है। अब आप बोलोगे सर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या आप सभी समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर, यस चैट बॉक्स में भी आंसर करिए। सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर बोला जाए कि बताइए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो है क्या कि एक बेलन है ठीक है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि आपसे बोला जा रहा है कि बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से देखना इस वक्र वाले पार्ट को देखोगे, इस कर्व वाले पार्ट को देखोगे ठीक, और इसका क्षेत्रफल मैंने सिखाया है अभी को 2πr h। अब इसमें टू इसमें जोड़ना पड़ेगा। माइक मत ऑन करिए। ठीक है, अब इसमें जोड़ना पड़ेगा ये नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और आप सभी को मालूम होगा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो नीचे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एक पाई आर स्क्वायर यहाँ है, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर है, दोनों ही पाई आर स्क्वायर को जोड़ दीजिए किसमें, 2πr h में, आपको उत्तर मिल जाएगा। टू पाई आर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। आप सभी समझ पा रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया।
एक बार चैट बॉक्स में भी आंसर करिए। हाँ, अगर समझ पा रहे हैं तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एन लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ओके माइक मत ऑन करिए। अब देखो, अगर हम बात करते हैं शंकु के बारे में, कौन है यार ये? बेटा माइक मत ऑन करो। देखो यहाँ पे एक शंकु दे रखा है, ठीक, एक कोन दे रखा है। अब है क्या, अगर इसकी त्रिज्या मालूम है आपको, ठीक है, और ये तिरछी ऊंचाई मालूम है, ठीक है बच्चों, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यह आता है पाई आर एल। क्या आप सभी लिख पा रहे हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने आंसर भी किया हुआ है, दो बच्चों ने, ठीक, पाई आर एल। बाकी बच्चे बताइए, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? यस सर। अच्छा, अगर पूछा जाए कि बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चैट बॉक्स में आंसर करिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। विष्णु के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने करेक्ट आंसर किया है, ठीक है, और इन्होंने और किसने किया है, तो सचिन सिंह के नाम से एक बच्चा है, ठीक है, दो बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। बाकी बच्चे यस, मनोज के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने भी करेक्ट आंसर किया है। राकेश कुमार करेक्ट आंसर, ओके अब देखो, हाँ वैशाली करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस वक्र वाले को तो जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि है पाई आर एल, किस में जोड़ना पड़ेगा, तो इस वृत्त में जोड़ना पड़ेगा, और इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो चाहे ये इसको याद रखो चाहे इसको याद रखो, दोनों बातें सेम है। बताओ बच्चों, ओके ये चीजें आपको समझ में आ गई? सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है, या फिर सर कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके कर लिया? यस ओके, सर, बहुत यस सर। बढ़िया। अब देखो, आपसे बोला जाएगा एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो
तो बच्चों ये गोला जो होता है ना वो एक 3D फिगर होता है। मान लेते हैं अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं। मान लेते हैं गोले की त्रिज्या आर का मान है 14 सेंटीमीटर, नहीं 14 कुछ ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर एक गोले की त्रिज्या आर बराबर है 7 सेंटीमीटर तो बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करिए। एक आंसर आ चुका है वैशाली का, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी बच्चे बताइए। एक आंसर तो आ गया मेरे पास। दूसरा आंसर भी आ गया, ठीक है। तीसरा, चौथा, ठीक है। यानी विष्णु, राकेश, राहुल, सचिन सिंह के नाम से हैं आप और बोल रहे हैं 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, तो दो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं ना। एक बच्चे बोल रहे हैं कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक बच्चा बोल रहा है कितना, 352। अब देखना है कौन करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। 4 × पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू 7 है। अब इसको सॉल्व करिए। सेवन से सेवन कैंसिल आउट, ठीक है। 4 × 4 ये होगा 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस बच्चों, मेरा ठीक था सर। सर मेरा सही, यस सर मेरा भी सही है। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। सारे बच्चों को समझ में आ गया। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो जितने भी बच्चों का करेक्ट आंसर था वे जल्दी से वाई लिखेंगे ताकि मैं जान सकूं कि हाँ कितने बच्चों ने करेक्ट लिखा था। जिन बच्चों का आंसर सही हो वाई लिखिए। बहुत बढ़िया बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ धीरज, पवन, धीरज, ठीक है। फिर ऐसे कई सारे नाम हैं जिनका आंसर क्या था, करेक्ट था। राकेश, ओके, हाँ वैशाली, गुड। सबसे पहले तो आप ही का आंसर आया हुआ था, गुड। यस बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और अब सीखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लेते हैं इस प्रकार से एक अर्धगोला है और इसका बोला जा रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बच्चों इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आता है 2 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, तो आर इसकी त्रिज्या है। 2 पाई आर स्क्वायर। यस बच्चों, यस, सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, मान लो पूछा गया आपसे कि बताइए एक अर्धगोला है
पाई आर स्क्वायर सर। हाँ बहुत बढ़िया। थ्री पाई आई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 पाई आर स्क्वायर। यस बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है ये 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आ रहा है? कोई बच्चा अगर माइक ऑन करके बताना चाहता है तो वो बता सकता है। सारे बच्चे बताइए अगर आपको मालूम है तो। आपको ये क्या बताना है, बताना? आपको ये बताना है कि ये 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आ रहा है। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है। हाँ बिल्कुल होता है, मैं समझ रहा हूँ। दरअसल है क्या बच्चों, आप सीखो। देखो यह कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है सर। हाँ, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मैं एक्चुअली ये पूछ रहा हूँ कि ये 3 पाई आर स्क्वायर आ रहा है तो कैसे आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये वक्र वाला पार्ट है और ये जो मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ ये वृत्त वाला पार्ट है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और ये वक्र वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस 2 पाई आर स्क्वायर में यह पाई आर स्क्वायर आप जोड़ दोगे। तो जब आप दोनों को ये जोड़ोगे ना बच्चों, तब आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया कि यस सर। कैसे आ रहा है इसका सूत्र? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि बताओ, अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो सिंपली बोलना कि जो भी और वाले पार्ट है उनको जोड़ देंगे, जो बचे हुए पार्ट है उनको जोड़ देंगे। यहाँ पे बचा हुआ पार्ट क्या था? तो बचा हुआ पार्ट वह वृत्त था, वह सर्कल था। और एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, ओके अब देखो अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है? एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। बहुत बढ़िया, तो एक घनाभ का आयतन होता है एल मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों? A की पावर 3। बहुत बढ़िया, 1 की पावर 3 नहीं बोलते हैं, 1 की पावर क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ एक क्यूब इसको पढ़ा जाता है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। नोट सर। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। यहां तक किसी बच्चे का कुछ डाउट है क्या? नो ओके, सर। नो सर। अब देखो एक बेलन का आयतन। देखो बेलन होता क्या है? ठीक है, इस प्रकार की एक आकृति है। तो यह आकृति एक बेलन है। देखो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है ना बच्चों, और रेडियस का r मान लेते हैं। तब इसका आयतन यानी इसका वॉल्यूम आता है पाई आर स्क्वायर एच। आप सभी इस चीज को याद रखेंगे। यस सर। बहुत बढ़िया, एक शंकु का आयतन क्या होता है ये देख लीजिए। मान लेते हैं यह एक शंकु है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया। तो यह इसका आयतन होता है। सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। चैट बॉक्स में भी बताइए। गुड, अब एक गोले का आयतन क्या होता है? क्यूब।
कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, शोर आ रहा है। ठीक है बच्चों माइक मत ऑन करो क्योंकि शोर आ रहा है। ठीक है कौन है ये? रितिन के नाम से जो बच्चा है प्लीज माइक को बंद रखिए। रितिन के नाम से जो भी बच्चा, ठीक है रितिन के नाम तो भी है। देखो बच्चों अगर एक गोले का आयतन पूछा जाए तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अरे एक सेकेंड, ये क्यूब होगा ना कि स्क्वायर। आप सभी इस चीज को याद रख लो। ठीक है सबको ये याद भी होगा आई थिंक, है कि नहीं बच्चों? याद है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। यस। अब देखो आपसे पूछा जाता है अक्सर कि एक अर्ध गोले का आयतन बताइए। तो बच्चों एक अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ओके ओके। तो ये रहा है ना, ये रहा आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो कि एक ही पेज में कवर हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ले लिया सर। ठीक है ओके बच्चों बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। ठीक है मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना ये चाहता हूँ कि जो क्लास है ये आज की आखिरी क्लास है। ठीक है अब क्लासेस सर पता है। ठीक है हाँ तो अब क्लासेस नहीं होंगी बच्चों। आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम्स को दीजिए। ठीक है और बेहतर मार्क्स को लाइए। ओके सर। यस सर। सर ने बता दिया था। बहुत सर बता दिया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है तो चलो अच्छी बात है।